अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास ये मोबाइल आया हुआ है सैमसंग S6। कस्टमर का कहना है कि ये चार्जर पे लगाया तब ये डेड हो गया है, चार्जर भी जल गया, उसके बाद मोबाइल भी ऑन नहीं हो रहा है। जब मैंने चेक किया तो ये फुल शॉट बता रहा है, लेकिन इसका जो सलूशन है वो मैंने निकाल दिया, लेकिन पता चल गया कि इसका ये मसला है। लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आपको भी पता चले कि आपके पास कोई फुल शॉट जो मोबाइल होते हैं वो आते हैं, उनको कैसे चेक करते हैं भाई ये इसका क्या ख़राब है, कहाँ से ख़राब है, तो बड़ा ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। एक मिनट, ये इसके रिमूव कर लेते हैं सारी ये कवर, एक मिनट ये भी रिमूव कर लेते हैं। मुझे तो ये पता चल गया इसके पावर एसी पे ये हीट कर रहा है। ये पहले हम सबसे पहले इसी को ही चेक करेंगे कि इसका यहाँ से ही मसला है या आगे भी कोई मसला हो रहा है। देख मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, हाँ अभी सही है। ये इसको आपको दिखाता है कि ये किस तरह से इसका शॉर्ट जो होते हैं मोबाइल, कैपेसिटर हो चाहे डायोड हो चाहे एसी हो, वो किस तरह से चेक किए जाते हैं कि कौन सा ख़राब है। आप एक दफ़ा ये यहाँ से सारा ये मैं करके दिखा देता हूँ, एक मिनट ये देखें, ये आप लगा लें। इसके बाद आप शॉर्ट किलर से भी चेक कर सकते हैं। अभी शॉर्ट किलर तो मेरा भी है नहीं इस टाइम मेरे साथ। मैं आपको मोबाइल का जो चार्जर होता है, सिंपली जो भी कोई चार्जर हो आपके साथ, आप उसको ग्राउंड को ग्राउंड पर ये लगा लें, बॉडी पर लगा दें, कहीं पर भी आप जिसका ये प्लस है आप ये मोबाइल के बैटरी कनेक्टर पे लगा दें, तो उसके बाद आप जो शॉर्ट जो चीज़ है तो वो खुद मखुद ये जल के ऊपर से आपको पता इजीली पता चल सकता है इसका डायोड ख़राब है, कैपेसिटर ख़राब है या इसका एसी का ही मसला है। तो आप लोगों को बड़ा ही आसान से ये, मैंने एक मिनट ये ग्राउंड पर लगा रहा हूँ, ये चार्जर का ये 5 वोल्ट चार्जर है उसका ही, उसी से ही मैं चेक कर रहा हूँ जो मोबाइल के चार्जर आम खास होते हैं। एक मिनट मैं ये प्लस ये बैटरी वाली ये साइड पे कैपेसिटर पे लगा रहा हूँ, एक मिनट ये देखें, ये देखें इसकी ये सप्लाई एसी ख़राब है, पावर एसी भी कह सकते हैं। ये देखें, बड़ा ही आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका।